उस समय रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश, घना अंधेरा और बादल जोर जोर से गरज रहे थे। कुछ पल के लिए बिजली चमकती तो ही आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थीं, नहीं तो अपना हाथ दिखना भी मुश्किल था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर मैं अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। ऐसे मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, लेकिन फिर भी मैं इंतजार करता रहा कि शायद कोई सवारी मिल जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई और थोड़ी देर बाद एक 18 से 20 वर्ष की लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती हुई दिखी। वो सीधे मेरे ऑटो के पास पहुंची और अपने घर चलने को कहा। मैंने कहा कि रात का समय है, इसलिए आपसे 500 रुपये लूंगा, नहीं तो कुछ घंटे इंतजार कर लो, सुबह होने पर 100 रुपये में ले जाऊंगा। वो बोली, अभी आप 200 रखो, मैं बाकी घर पहुंचकर दे दूंगी, और वो ऑटो में बैठ गई। करीब आधे घंटे बाद मैं उसके घर तक पहुंचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लाने की बात कहकर वो अंदर चली गई। काफी देर तक वह बाहर नहीं आई तो मैं अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। मैंने उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो काफी देर बाद एक बूढ़े आदमी ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला और कहा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? मैंने कहा, जो लड़की थोड़ी देर पहले यहां आई है उसने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, इस घर में तो कोई लड़की नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूं। मेरी नजर एक फोटो पर पड़ी। मैंने कहा, अभी यही लड़की तो आई थी, मैं उन्हें स्टेशन से अभी लेकर आया हूं। बूढ़े ने मेरी तरफ आश्चर्य से देखा और फिर कहा, बेटा इस लड़की को मरे हुए तो 8 साल हो चुके हैं, देखो फोटो पर माला डाली हुई है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? उस बूढ़े की बात सुनने के बाद मेरे तो होश उड़ गए। मैं चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा तो देखा कि मेरी सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे थे। मैंने नोट जेब में रखे और वहां से बेतहाशा भागा। इस घटना के बाद मैंने रात में ऑटो चलाना ही छोड़ दिया। दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रताप सिंह है और मैं झारखंड के धनबाद का रहने वाला हूं। एक रात मैं अपने दोस्त अजीत के साथ खेत के रास्ते से बस स्टैंड जा रहा था तो मेरे दोस्त ने कहा, भाई थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत के अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उसने बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। जब वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुका तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो उसने सोचा रात को पहरे देने वाले का बच्चा होगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि ये खेत तो रमेशर काका का है जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गए। वो आदमी डर के मारे तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा और इसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पांव को मत देखना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बिगड़ती गई और वो सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज़ होती गई, मानो कि वो बच्चा उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में एक बच्चा लेटा रो रहा था तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई, ये बच्चा किसका है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया तो डर के मारे वो आगे बढ़ा, लेकिन बच्चे का रोना सुनकर उससे रहा नहीं गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बच्चा ठीक उसके पीछे झूले में पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और भागने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और वो ये देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा वो बड़े आदमी में तब्दील हो गया और जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया, अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ पर कोई नहीं बचा पाता,
तेरी मौत तय थी। ये कहते ही वो बच्चा वहां से गायब हो गया। इसके बाद वो आदमी गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने ये बात सारे गांव वालों को बताई। ये किस्सा सुनने के बाद मैं घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े वहां से भाग निकला और कभी उस प्रेत बाधित खेत से रात को कभी नहीं गुजरा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप कुछ ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं।